खबर इस बीच आ रही है, हरियाणा में निकाय चुनाव आज और वोटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, सुबह 8 बजे से मतदान हुआ शुरू। तो 3 नगर निगमों के लिए मतदान हो रहे हैं, नगर परिषद के लिए वोटिंग हो रही है। तो आपको बता दें कि वोटिंग के लिए 893 मतदान केंद्र जो हैं वो बनाए गए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल की तैनाती जो है वो की गई है। और पंचकुला से पवन सिवर हमारे साथ जुड़ गए हैं और सोनीपत से हमारे साथ राम सिंह मार संवाददाता जुड़ गए हैं। पवन, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी, फिलहाल वहां पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं पंचकुला के सेक्टर 6 में मौजूद हूँ। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण का ये कार्यालय है जहाँ पर मतदान केंद्र बनाया गया है जी। इस मतदान केंद्र पर हम इसलिए पहुंचे हैं चूंकि यहाँ पर जो बीजेपी के मेयर पद के उम्मीदवार हैं कुलभूषण गोयल, वो यही वोट डालने वाले हैं। हालांकि वो 10 बजे वोट डालने पहुंचेंगे, लेकिन मतदान केंद्र के बाहर की मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। साथ ही ये जानकर दूंगा कि मतदान को लेकर क्या तैयारी है। मतदाता पहुंचना शुरू हुए हैं, मतदाता पहुंच रहे, लेकिन अंतिम चरण में एक तरह से यूं कह सकते हैं कि जो वोटिंग शुरू करनी है उसकी जो प्रक्रिया है वो अंतिम चरण में है। जो मॉक पोल है वो किया जा चुका है। मॉक पोल किए जाने के बाद ईवीएम को सील जो है वो एक तरह से किया जाएगा, चूंकि अब जो है वो सामान्य जो मतदान है वो शुरू होना है। तो अब ये गतिविधियां जो है वो देख रही है सेक्टर 6 पंचकुला के हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण कार्यालय की, जहां पर ईवीएम जो है उनको अंतिम चरण में मतदान को लेकर तैयार किया जा रहा है। लेकिन ये कह सकते हैं कि 8 बज चुके हैं, अभी तक पूरी जो तैयारी है वो शुरू होकर वहां पर मतदान शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन उसमें कुछ देरी हो रही है। हालांकि जो अंतिम चरण में तैयारी है, और ये जो मतदाता हैं ये आप देख रहे हैं बुजुर्ग मतदाता हैं, और सुबह सुबह अपने मतदान को लेकर कितने जो है वो जागरूक है मतदाता, आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। ये मतदाता जो है वो बाहर पहुंच चुके हैं, 8 बजने से 5 मिनट पहले ये यहाँ पर पहुंचे और अभी अपने वोट करने का इंतजार कर रहे हैं कि कब जो है वो ईवीएम में उनको वोट करने के लिए अनुमति मिले ताकि वो जाकर वोट कर सकें। आप जो है वो काफी समय के साथ जो है वो यहाँ पहुंच चुके हैं, आप अपने परिवार के साथ यहाँ आए हैं। सर, आप क्या मानते हैं कि लोकतंत्र के पर्व में मतदाता को अपने वोट की वैल्यू पता होनी चाहिए? जरूर पता होना चाहिए, हर एक वोटर को अपना वोट डालना चाहिए ताकि अच्छे आदमी अच्छे हमारे नुमाइंदे चुन के आए। हम ये नहीं कहेंगे सर आज मतदान हो रहा है, हम मतदान केंद्र के बाहर हैं कि किस को वोट देना किसको नहीं देना, लेकिन आप ये मानते हैं कि लोगों को अपने वोट को लेकर कम से कम जागरूक रहना चाहिए। अपना वोट देना चाहिए हर एक आदमी को, हर एक वोटर को अपना वोट डालना चाहिए, अपनी मर्जी के मुताबिक डालना चाहिए। बिल्कुल, 8 बजे का समय है लेकिन अभी तक मतदान जो वो शुरू नहीं हुआ, आपको कहीं बाहर निकलना था शायद, आप इसलिए सुबह सुबह अपने मतदान के लिए पहुंचे। जाना था भोग पे जाना था, इसलिए मैंने आज सुबह पहले सबसे पहले वोट डाल के जाऊँ, तो इसलिए ठीक है। मगर कोई बात नहीं, 2-4 मिनट की देरी है, हो जाएगा, ऐसी की बात नहीं है। तो बिल्कुल, देखिए मतदान को लेकर किस तरह से बुजुर्ग जो है वो अपने अधिकार को लेकर और अपने मतदान को लेकर जागरूक है वो आप सुन रहे थे। उनका कहना है कि 2-4 मिनट का समय जो है वो लग रहा है, वो इंतजार उसके लिए कर रहे हैं, लेकिन अपने वोट को लेकर जागरूक होने की जरूरत है। और जनता टीवी भी लगातार ये अपील मतदाताओं से कर रहा है जिन क्षेत्रों में चुनाव हो रहा है कि अपने वोट को लेकर जागरूक बने और साथ ही इस लोकतंत्र के पर्व में अपना वोट जो है वो जरूर डाले। लेकिन मतदान की प्रक्रिया जो है वो 8 बजे शुरू होने का तय समय है, लेकिन इस सेक्टर 6 पंचकुला के ईवीएम के अंतिम चरण में जो है वो तैयारी नजर आ रही है। यहाँ पर अभी जो मतदान है वो शुरू होना है और शुरू हो गया, ऐसी जानकारी आ गई है कि मतदान जो है वो शुरू हो गया है। तो आप देख सकते हैं ये तस्वीरें सेक्टर 6 पंचकुला की, जहाँ पर कुलभूषण गोयल 10 बजे वोट डालने पहुंचेंगे जो बीजेपी के मेयर पद के उम्मीदवार हैं। और ये बिल्कुल लौटूंगी आपके पास पवन, आपके पास लौटूंगी। राम सिंह मार हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं। राम, फिलहाल क्या कुछ जानकारी अपडेट आपके पास?
जी अंजलि अंजलि देखिए जिस प्रकार से बूथ नंबर 78 पर निखिल मैदान जो है मेयर पद के प्रत्याशी हैं वो हमारे साथ हैं, बातचीत कर रहे हैं वोट डालने के लिए। सबसे पहले वो पहुंचे हैं, अभी तक कोई मतदाता यहाँ नहीं आया, पहले मतदाता के रूप में वो स्वयं अपना वोट डालने वाले। निखिल जी आज वोट डालने के लिए पहुंचे हैं, अभी किन मुद्दों को लेकर अहम रूप से यहाँ पर पहुंचे हैं? आपके सारे दर्शकों को नमस्कार, और सोनीपत के विकास के लिए मैं अपनी वोट डालने आया हूं, और सोनीपत की सारी जनता से अपील करता हूं, सोनीपत के विकास के लिए आप मेरे को आशीर्वाद दो, और पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी को आप आशीर्वाद दो और सोनीपत को एक विकास के रास्ते पर ले जाने का काम करें। लोकतंत्र का पर्व है, लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? आज चुनाव का दिन है और मैं सबसे आपसे यही अपील करता हूँ, आप मेरे को और कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद दो ताकि हम आप सबकी सेवा कर सके और सोनीपत को एक बहुत ही बढ़िया विकास के रास्ते पे, जो बहुत टाइम से सोनीपत में विकास कार्य रुके हुए हैं, विकास का चक्का दोबारा घूमेगा सोनीपत के अंदर। आपके साथ हमारे साथ उनके परिवार से संबंधित और भी लोग हैं, उनसे भी एक बार बातचीत करेंगे। आप यहाँ पहुंचे हैं, पहली बार मतदान हो रहा है और मेयर प्रत्याशी के रूप में, सबसे पहले तो आपका परिचय मैं चाहूंगा कि आप अपना परिचय दें और हमारे दर्शकों को बताएं किस प्रकार आज पहली बार वोट डालने जा रहे हैं। जी, मैं निखिल मैदान जी की धर्मपत्नी हूँ, ये उनकी मदर है जी। हम आज मेयर के चुनाव है और एमसी के चुनाव है उनके लिए यहाँ पर खड़े हैं। अपनी तरफ से फैमिली के तौर पे हमने जितने भी हम प्रयास कर सकते थे चुनाव के प्रचार के लिए हमने किया है, और निखिल मैदान जी का हमेशा से यही मुद्दा रहा है सोनीपत का विकास, और वो यही चाहते हैं कि सोनीपत की तस्वीर बदले। उनका एक ये सपना है कि आने वाले समय में अगर हमारी जनता उनके मौका देती है तो वो सोनीपत का विकास जरूर करेंगे, सोनीपत की तस्वीर जरूर बदलेंगे। जिस प्रकार से वोट प्रक्रिया अभी शुरू हो गई है तो वोट डालने के लिए आप पहुंचे हैं, स्थानीय क्या क्या रहे हैं वो, क्या आप भी सोनीपत में रहे, क्या क्या चीजें आपने जो खली अभी तक? जी, सिवर, लाइट, स्वच्छ जल, ये मेन मुद्दे रहे हैं हमारे लिए, और रोड्स, ये सबसे मेन। देखिए, उनके धर्मपति का सीधे तौर पर ये कहना है कि इस बार विकास को लेकर वो लगातार मैदान में है, साथ में उनकी माताजी भी हैं, माताजी जैसे जिस प्रकार से बेटा मैदान में है, और किस प्रकार की आज एक उम्मीद, एक सूरज जो है निकलने की उम्मीद लेकर आप चले हैं? मैं चाहती हूँ कि जो मेरे बेटे ने सपना लिया है पूरे शहर के लिए, वो पूरे शहर का बेटा है, वो उसमें कामयाब हो, लोग उसे बहुमत से अच्छे से लेके आए और वो अपने सपने को पूरा करे। बहुत सारी चीजें ऐसी रही सोनीपत में विकास कार्यों को लेकर, लगातार कहीं ना कहीं लोग परेशान रहे, तो उसको किस नजरिए से आप देखते हैं? मैं देखती हूँ कि लोग बहुत ही परेशान हैं, सच में बहुत परेशान हैं। सड़कें, हम गए कन्वेंसिंग के लिए, जब गए हमने देखा सड़कें इतनी टूटी हुई हैं, रोड इतने खराब हैं, सीवर की प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं उसको ये कहती हूँ कि सबसे पहले बेटा तूने यही काम करना है हमें। बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार एक अंतिम सवाल जो है हम निखिल मैदान से ले लेते हैं। निखिल जी, कितना उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है वोटरों में, आपके जो कार्यकर्ता हैं आप में स्वयं में? ये तो जब आज डब्बे खुलेंगे 30 तारीख को तो लोगों का पूर्ण आशीर्वाद मिलेगा, ये मैं पूरा विश्वास है मेरे को इस बात के लिए, क्योंकि पब्लिक के आशीर्वाद से आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। जिस प्रकार से बड़ौदा उपचुनाव में भी एक अच्छी फतह आप लोगों ने हासिल करी थी, और उसके बाद कितना उत्साह आप लोगों में? आज पूरे देश के अंदर, प्रदेश हरियाणा के अंदर भी बीजेपी के खिलाफ माहौल है। आज आम आदमी, किसान हो, कोई भी वर्ग हो, मजदूर हो, चाहे अपने युवा हो, आज सब परेशान है। बीजेपी के 6 साल का कार्यकाल कैसा दिखते? 6 साल के अंदर बीजेपी ने सोनीपत नगर निगम को सिर्फ लूटने का काम किया, और जितना भी सोनीपत की भोली वाली जनता का पैसा था सिर्फ और सिर्फ दोनों हाथों से निकाल कर सड़कों पर बिखोरने का काम किया। क्या जो स्थानीय मुद्दे हैं वो काम करेंगे? स्थानीय मुद्दे जरूर काम करेंगे। आज आज हर आदमी की एक ही बात है भाई, हमारे 6 साल से ना तो पानी की लाइन है, ना सीवर है हमारे कॉलोनी में, ना सड़कें अच्छी हैं, तो हर ये मुद्दे जरूर काम करेंगे। 6 सालों से स्ट्रीट लाइटें नहीं लगवा रहे, सिर्फ और सिर्फ घोटाला करने में लगे हुए हैं। बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर निखिल मैदान का यही कहना है कि जो स्थानीय मुद्दे हैं वो अहम रहेंगे, और उसके मद्देनजर ही कहीं ना कहीं जनता जो है वो सोनीपत के मेयर पद के प्रत्याशी निखिल मैदान को वोट करेगी, और तमाम जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं अब अपने घरों से बाहर निकलना वो शुरू हो गए हैं। निखिल मैदान जो है वोटिंग बूथ के जो अंदर है वहां जा रहे हैं, उनका पूरा परिवार है, और परिवार में पहले एक लिहाजा, एक खुशी, एक उत्साह जो है वो सहज ही देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार से वोटिंग के बूथ के अंदर लगातार जो है उनका परिवार है वो एक प्रक्रिया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लौटूंगी राम, एक महत्वपूर्ण जानकारी शायद पवन सिवर के पास है। पवन, क्या कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आप हमें दे रहे हैं? बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं पंचकुला के सेक्टर 6 के हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण कार्यालय में जो मतदान केंद्र बना है उसके बाहर मौजूद हूं, और मतदान की प्रक्रिया यहां पर शुरू हो चुकी है। मतदाता जो है वो वोट डालकर आए हैं, पहला वोट जो इस मतदान केंद्र पर डाला है वो मतदाता हमारे साथ है, और जो है अरुण सिंगल हैं जो अपना वोट डालकर आए हैं।
क्या कहेंगे मतदान के पर्व में लोगों को पहुंचकर अपना वोट जल्दी से जल्दी करना चाहिए? आप अपने सब पब्लिक से ये गुजारिश कर रहे हैं, अभी हरेक को अपने घरों से निकल के वोट डालने का आना चाहिए जी। और जो इस शहर के लिए जो भी कैंडिडेट जो मेयर के लिए उम्मीदवार खड़े हैं, हम चाहते हैं अभी उसके लिए पंचकुला शहर के लिए विकास करें जी। तो ये देखिए आप अपना वोट डाल करें, ये बुजुर्ग जो है दंपति जो है वो भी आ गए हैं वोट डालकर। ये देखिए तस्वीरें जो है वो आप देख सकते हैं कि कितना उत्साह है अपने वोट को लेकर। ये जो है वो आप समझ सकते हैं कि सुबह जैसे ही मतदान शुरू हुआ है तमाम जो मतदाता हैं वो यहाँ पर पहुंचकर वोट डाल रहे हैं। आप जो हैं ये देखिए यहाँ पर जो मतदाता हैं ये अपना वोट डालकर आए हैं। ये सेक्टर 6 पंचकुला का हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण कार्यालय का जो दफ्तर है वहां पर जो मतदान केंद्र बना है उसके बाहर की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सब वोटरों से कि अपने अपना वोट डालने आए, वक्त पे डाल के जाए और जो अपने मत का अधिकार का इस्तेमाल जरूर करें, जरूर करना चाहिए। देखिए लोगों को जागरूक करने वाला और युवाओं को खास तौर पर एक मैसेज है कि अपने वोट का इस्तेमाल सबसे पहले करें, जिन क्षेत्रों में मतदान हो रहा है वहां पहुंचकर आप अपना वोट जरूर डालें। बिल्कुल बिल्कुल। राम मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि अब व्यवस्थाओं की बात हो गई, यहाँ पर स्थानीय मुद्दों की बात हो गई। अभी हम पंचकुला में देख रहे थे जो बुजुर्ग हैं सुबह सुबह वहां पर पहुंच रहे हैं वोट कर रहे हैं। फिलहाल वहां पर आपके वहां पर किस तरीके की सुबुगाहट देखने को मिल रही, किस तरीके की हलचल देखने को मिल रही है? अभी आप बता रहे थे कि निखिल मदान जो है अपने परिवार के साथ वहां पर पहुंचे हैं, अभी और मतदाता भी वहां पर पहुंच रहे हैं, क्या कुछ जानकारी? हाँ देखिए अंजलि, जिस प्रकार से 8 बजे का जो समय है वो कहीं ना कहीं दिया गया था और इसी के मद्देनजर सबसे जो पहले वोटर के तौर पर निखिल मदान और उसका जो परिवार है वो यहाँ पहुँचा है, बूथ नंबर 78 पर पहुँचा है। और इसके बाद जो है प्रक्रिया, हालांकि चुनावी प्रक्रिया वो शुरू हो गई है और जो लोकल जो कहीं ना कहीं जो मतदाता है वो भी कहीं ना कहीं अभी आना शुरू हो जाएगा। हालांकि सर्दी है, सर्दी के मौसम में करीबन 10 बजे तक जो वोटर है वो अपने घरों से निकलना शुरू होगा, लेकिन जिस प्रकार से निखिल मदान अभी पहुंचे हैं तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उनके जो मतदाता हैं या उनसे रिलेटेड जो भी उनके पार्टी से संबंधित जो लोग हैं वो तमाम लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं वोट डालते हुए नजर आएंगे। फिलहाल कुछ तस्वीरें आपके साथ साझा करना चाहूंगा जिस प्रकार से कुछ मतदाता पहुंचे हुए हैं। ये दो मतदाता अभी देख रहे हैं और साथ में एक बुजुर्ग महिला जो हमारे साथ अभी आप वोट डाल के आए हैं, पहला वोट डाला है, कैसा आपको लगा कि कोविड महामारी है? अच्छा लगा जी। किस प्रकार के इंतजाम यहाँ किए गए हैं जिसे कोरोना महामारी है और आपको क्या क्या चीजें दी गई? सारे मास्क दिया गया, मास्क दिया है, मास्क तो मैं लगा ही रही हूँ पहले। तो वोट डाला है तो लोकतंत्र में सबसे पहले कहीं जाना था आपको, शायद इसलिए जल्दी जाना था जी, भीड़ हो जाती, मेरे खड़े अंदर जाता जी। देखिए बिल्कुल बुजुर्ग महिला, उनका सीधे तौर पर यही कहना है कि उनको कहीं जाना था, कुछ शरीर से अस्वस्थ नहीं है और स्वस्थ ना होने की वजह से उन्होंने जल्दी वोट डालना उचित समझा। राम ये भी जानिए वहाँ पर वोटर से कि क्या मुद्दे हैं, क्या कुछ चीजें हैं जिन्हें ध्यान में रखते हुए वो यहाँ पर वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं? देखिए जिस पर हमारे साथ कोई और है, एक साथी है जिस प्रकार से वोट डालने के लिए आप पहुंचे हैं, क्या क्या मुद्दे आपको अभी लगे कि जो सोनीपत में काम नहीं हुए, क्या क्या मानते हैं आप? हमारे कुछ काम नहीं है, क्या काम नहीं है कुछ बताएंगे आप? गली नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है, नाली नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। तो आज जब वोट डालने के लिए आप जा रहे हैं क्या उन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट डालेंगे? वोट भी डालेंगे। तो यहाँ के बिल्कुल देखिए सीधे तौर पर जो वोटर हैं उनका सीधे तौर पर यही कहना है कि जो स्थानीय मुद्दे हैं, पीने के पानी की व्यवस्था, सीवरेज व्यवस्था, क्या जी नहीं करते कि उसने किसको वोट डाला है, क्योंकि लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से माहौल जो है वो कहीं ना कहीं एक रोज जो है, जिस प्रकार से मैं तस्वीर एक साझा करना चाहूंगा, जिस प्रकार से गलत एक बार फिर हमारे साथ वोट आप वोट डाल के हैं, निखिल मदान हमारे साथ है, निखिल मदान जी वोट डाल के आए हैं, अहम जो क्या है आप पहले वोटर के तौर पर भी वोट डाला है, कैसा आप जनता को संदेश देना चाहेंगे? मैं सोनीपत की जनता से अपील करता हूँ ज्यादा से ज्यादा अपना वोट डालने जरूर जाए सारे लोग और सोनीपत को एक विकास के रास्ते पर बढ़ाने के जो आज सोनीपत में इतने नगर निगम के अंदर इतने घोटाले हुए और आज सोनीपत की जनता जिस चीज से परेशान, चाहे हमारे अहम कोई भी सीवर का मुद्दा हो, सड़क का हो, पानी का हो,
चाहे हमारे अहम कोई भी सीवर का मुद्दा हो, सड़क का हो, पानी का हो, तो मैं सबसे यही कामना आशा करता हूँ कि जाके अपना वोट जरूर डालें। और मुझे पूर्ण विश्वास है सोनीपत की जनता का आशीर्वाद मेरे साथ में है और सोनीपत की जनता पूर्ण तरीके से आशीर्वाद देंगी। निखिल जी, जिस प्रकार से बहुत सारी समस्याएं हैं, अभी हम एक बात कर रहे थे उनसे, वोटर हैं, वोटर की तरफ से ये कहा गया विकास कार्य नहीं हुए, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं थी, तो लोगों में कहीं ना कहीं एक रोष देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे? अमृत योजना के तहत बहुत पैसे आए और उसके बावजूद भी जब फ्री सीवर लाइन के लिए पैसे भेजे और पानी की लाइन के लिए पैसे भेजे और तब भी जनता के पास जब सुविधाएं नहीं आई, हर आदमी आज सोनीपत का नागरिक हाउस टैक्स देता है, उसके बावजूद भी इतनी समस्याएं हैं, तो आदमियों सोनीपत की जनता के अंदर तो गुस्सा आएगा इस चीज़ के लिए। मैं समझता हूं कि बिल्कुल गुस्सा जायज भी है। शहर में ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो पाई, पार्किंग की तमाम जो है प्रयास लगातार किए गए, लेकिन ऐसा क्या रहा कि सोनीपत में जिसे पहले मंत्री महोदया यहाँ से रही, लेकिन इतना मंत्री होने के बावजूद भी यहाँ विकास कार्य नहीं हुए, क्या मानते हैं? इसी विभाग की मंत्री थी और उसके बावजूद जो सबसे बड़ी बात है, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस था कि हम किस तरीके सोनीपत की जनता का पैसा लूटे। और मल्टी लेवल पार्किंग के लिए एक सरकारी स्कूल तोड़ा गया, उसके बाद वहाँ पर मल्टी लेवल पार्किंग नहीं बनाई गई, और जगह पर इन्होंने कहा कि हम मल्टी लेवल पार्किंग बनाएंगे। आज ट्रैफिक दिन भर दिन बढ़ता जा रहा है और सुविधाएँ कुछ भी नहीं मिल रही सोनीपत की जनता को। मैं समझता हूँ कि आज सोनीपत की जनता अपने सोनीपत के विकास के लिए वोट करेगी। बिल्कुल, देखिए विकास को लेकर वोट करने की अपील जो है निखिल मदान कर रहे हैं, साथ में उनकी धर्मपत्नी, एक बार मैं उनसे दोबारा फिर कनेक्ट होना चाहूंगा। अभी यहां पर आप बूथ पे पहुंचे हैं, किस प्रकार के इंतजाम यहां किए गए हैं, क्या मुकम्मल है सारे इंतजाम? जी बिल्कुल, कोरोना महामारी को देखते हुए सब कुछ उन्होंने, हमारी सरकार ने इस चीज को देखा है कि हमारे को ग्लव्स दिए गए हैं, मास्क दिए गए हैं, हमें अंदर सोशल डिस्टेंसिंग को पूरी तरीके से फॉलो करवाया गया है। दो मशीन है मेयर की और पार्षद की, दोनों को अलग अलग कोनों में रखा गया है और अंदर ये देखा गया है पूर्ण स्वरूप कि कोई भी किसी भी तरीके से महामारी ना फैली जाए और ना फैली जाए। मैम, बहुत सारे मुद्दे अहम रहे, लगातार प्रचार प्रसार में आप भी रहे, तो आपने स्थानीय स्तर पर जब लोगों के बीच आप गए, तो क्या चीज ऐसी रही कि लोगों में एक रोष या एक परेशानी जो उनके अंदर की आपने टटोलने की कोशिश की हो? जी, अपने तौर पर हमने जितनी भी डोर टू डोर कैंपेनिंग करी उसमें हमने यही देखा कि सीवर और रोड के मेन मुद्दे रहे, दूसरी रही हमारी बेरोजगारी और गरीबी। हर घर में हमने जहाँ पे भी जाके, मैंने अपनी माताओं और बहनों से जाके बात की, मुझे यही देखने को मिला कि वहाँ पर ना उनके बच्चों के पास, ना ही उनके पति के पास, किसी के पास कोई भी किसी भी स्वरूप नौकरी नहीं थी, कोई साधन नहीं था कमाई का, तो वो सारे ही बेचारे, मतलब उनके पास पैसे भी नहीं थे। और कोरोना महामारी के चलते जैसे हम सब जानते ही हैं कि बेचारे कितने गरीबों की नौकरियाँ गई हैं, साथ में ना तो सीवर की बहुत ज्यादा दिक्कत है और जितने भी पिछड़े इलाके हैं हमारे सोनीपत के, वहाँ पर सीवर की काफी ज्यादा दिक्कत है। देखिए बिल्कुल, वोटरों की संख्या जो है लगातार वो बढ़ती नजर आ रही है, कुछ तस्वीर और साझा करेंगे आपके साथ। जिस प्रकार की प्रक्रिया जो है यहाँ पर, कुछ वोटर महिला वोटर जो है वो आई है, आप वोट डालने के लिए पहुंचे हो, क्या अहम मुद्दे रहने वाले हैं, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर आप वोट डालेंगे? हमारे साथ एक युवा जो है लड़की है, वोट डालने के लिए पहली बार पहुंची है, पहली बार वोट डालने के लिए आप पहुंचे हैं, कितना उत्साह आप में है आज? हम तो बहुत ही ज़्यादा उत्साहित है, बिकॉज ये पहले ऐसे यूथ है जो सोनीपत में सामने आए हैं और ये बहुत ही डेवलपमेंट के कार्य कर रहे हैं पूरे सोनीपत में। पूरे युवाओं में बहुत ही ज़्यादा जोश है कि हम निखिल मदान को ही वोट देंगे, उसी को ही जिताएंगे। हम ये नहीं कहते आप किसको वोट करेंगे, लेकिन हम आपसे ये पूछना कि स्थानीय मुद्दे बहुत सारे रहे, क्या मुद्दों को ध्यान में रखकर आप वोट डालेंगे? सबसे बड़ा तो सेफ्टी इश्यूज, यहाँ पे क्लीनलीनेस इतनी ज़्यादा बुरी है, हर सीवेज के इतने बुरे हाल हैं, लड़कियाँ बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, नए कोई स्कूल कॉलेज नहीं है, कोई भी मेडिकल फैसिलिटी के लिए हमें रश करना पड़ता है दिल्ली के लिए। तो हमें श्योर है कि अब जो भी आएगा वो ये सब के लिए ध्यान रखेगा और सब कुछ ठीक करेगा सोनीपत में। सुरक्षा के लिहाज से आप क्या मानते हैं कि विकास कार्य या अंजलि देखिए भी इसका, महिलाएं जो हैं वो सुरक्षा की मांग कर रही हैं कि यहाँ पर सुरक्षा की व्यवस्था जो है वो कहीं ना कहीं दुरुस्त नहीं दिखाई दी और इसीलिए कहीं ना कहीं वो मुद्दों को सुरक्षा के लिहाज से भी उनके जहन में जो है वो अहम मुद्दे हैं। महिला की सुरक्षा की बात करें या स्थानीय जो मुद्दे हैं वो अहम रहने वाले हैं। जिस प्रकार प्रक्रिया है जो हमारे साथ बुजुर्ग भी बहुत सारे हैं, कुछ तस्वीरें और दिखाएं आपको, मैं कैमरामैन को कहूंगा कि तस्वीरें दिखा, जिस पर लाइनें हैं वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। जो प्रक्रिया है कोविड महामारी के दौरान, जो उनको ग्लव्स जो हैं वो वितरित किए जा रहे हैं और साथ में जिस प्रकार से मास्क प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं हर विशेष ध्यान रखा जा रहा है। हमारे साथ एक और मतदाता है, उनसे बात करेंगे। मैम, वोट डालने के लिए आप पहुंचे हैं,
यहाँ के इंतजामों की अगर बात करें तो किस प्रकार के इंतजाम यहाँ किए गए हैं? जी, इंतज़ाम तो यहाँ पे बहुत अच्छे हैं। हैंड्स, ग्लव्स, मास्क सब कुछ दिया जा रहा है। डिस्टेंस प्रॉपर मेंटेन किया जा रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। चलिए, निश्चित तौर पर राम लौटूंगी आपके पास। और यहाँ पर तमाम जो वोटर्स हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, वोटिंग सेंटर्स पर पहुँच रहे हैं। वो